वास्तव में आज भी कोई अभिनेत्री मधुबाला के मुकाबले में सुंदर नहीं है। वह सिर्फ चेहरे से ही सुंदर नहीं थी, उनके अभिनय में एक आदर्श भारतीय नारी को देखा गया था। चेहरे से भावाभिव्यक्ति तथा नजाकत उनकी प्रमुख खासियत थी। मधुबाला की अभिनय प्रतिभा, व्यक्तित्व और खूबसूरती को देखकर यही कहा जाता है कि वे भारतीय सिनेमा की आज भी उनकी जोड़ की कोई अभिनेत्री नहीं है। हिंदी फिल्मों में मधुबाला के अभिनय काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और साल 1949 में फिल्म महल के साथ उन्हें पहली बड़ी कामयाबी मिली। इसके बाद मधुबाला ने अमर, मिस्टर एंड मिसेज 55, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी और मुगले आजम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अपने अभिनय से उन्होंने करोड़ों प्रशंसकों के दिलों पर अपनी खूबसूरती और अभिनय की छाप छोड़ी। अपने करियर के दौरान उनका नाम कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी हाई प्रोफाइल लव स्टोरी को खास तवज्जो मिली। बी आर चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए पहले मधुबाला को ही साइन किया था, लेकिन उनके पिता मुंबई से बाहर शूटिंग के लिए राजी नहीं हुए और मधुबाला को ये फिल्म छोड़ना पड़ी। बाद में ये सारा विवाद कोर्ट तक गया और कहा जाता है कि दिलीप कुमार ने अदालत में मधुबाला के खिलाफ गवाही दी थी। इससे मधुबाला का दिल टूट गया था। दिलीप कुमार ने ब्रेकअप के बाद मधुबाला को अपने दिल की लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला। इस दौरान उनकी किशोर कुमार से शादी हुई। कहा जाता है कि सब कुछ पाकर भी मधुबाला की एक इच्छा अधूरी रही। वे विमल रॉय की फिल्म बिराज बहू में काम करना चाहती थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए विमल रॉय के दफ्तर के कई चक्कर भी लगाए, लेकिन विमल रॉय ने उन्हें कास्ट नहीं किया। मधुबाला को अंतिम वक्त तक इस बात का अफसोस रहा। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देवली था। कहा जाता है कि एक भविष्यवक्ता ने उनके माता पिता से यह कहा था कि मुमताज बहुत ख्याति तथा संपत्ति अर्जित करेगी, लेकिन उसका जीवन बेहद दुखद होगा। ये बात सुनकर उनके पिता आयतुल्लाह खान दिल्ली से बम्बई एक बेहतर जीवन की तलाश में आ गए थे। यहाँ आकर उन्होंने बेटी के बेहतर जीवन के लिए काफी संघर्ष भी किया, लेकिन फिल्मों में उनका आगमन बेबी मुमताज के नाम से ही हुआ। उनकी पहली फिल्म बसंती थी जो 1942 में आई। देवकी रानी इस फिल्म में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई और नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा और मुगले आजम के बाद तो वे सितारा बन गई थी। अपने छोटे से एक्टिंग करियर में मधुबाला को करोड़ों लोगों का प्यार मिला। उनकी फिल्में भी बेहद कामयाब रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में भी एक साथ कई तरह की परेशानियाँ चलती रही। दिलीप कुमार के साथ उनकी अधूरी प्रेम कहानी हो या किशोर कुमार के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी, 23 फरवरी 1970 को महज 36 साल की उम्र में दुलारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। बॉलीवुड की इस महान शख्सियत पर बायोपिक बनाने का ऐलान हो गया है। भारतीय सिनेमा की विनस कही जाने वाली मधुबाला की निजी जिंदगी जल्द ही पर्दे पर देखने को मिल सकती है। मधुबाला की छोटी बहन मधु ब्रजभूषण ने 2 साल पहले ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कई फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने उनकी बहन पर बायोपिक बनाने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को भी इस फिल्म के लिए फाइनल नहीं किया है। फिलहाल ये आइडिया शुरुआती स्तर पर ही है। हम ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए ghamasan.com। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.